16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और तमाम एजेंसियां मिशन मोड पर काम कर रही हैं। टीकाकरण संबंधी हर एक गतिविधि की निगरानी कोविन ऐप के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत मार्च के आखिर तक प्रथम चरण के 3 करोड़ लाभार्थियों के 60% से ज्यादा का टीकाकरण हो जाने की संभावना है। गौरतलब है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होना है। उसके बाद कोविन ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 16 जनवरी को 3006 ऐसे सेंटर होंगे जहां टीकाकरण होगा। बिल्कुल सेफ है, बहुत इम्यूनोजेनिक है, इनको अपनाइए, इनसे अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए और हम कोरोना की लड़ाई इन वैक्सीन से जीतेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीमार लोगों को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और 12 साल की उम्र से कम बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। इस बीच विज्ञान बिरादरी से जुड़ी तमाम हस्तियों ने कोविड-19 के टीके से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और वैज्ञानिक समुदाय के खिलाफ राजनीतिक और बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही भ्रांतियों को खारिज कर दें। उन्हें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि उनके निहित स्वार्थों के कारण जो उच्च मूल्यों वाली विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठा हमने कमाई है वो नष्ट हो रही है। हमारे प्रयासों से ही पूरी दुनिया में भारत टीके के निर्यात के मामले में अग्रणी होगा।